मैं गजराज सिंह हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग वाहिनी दल का, और मेरे द्वारा बच्चन जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और इनों के द्वारा मेरे से कई बार टाइम मांगा गया था कि सर मैंने अपनी टीम बना दी है यहाँ पे, उसके लिए मेरे को यहाँ बुलाया गया था पूरे कार्यक्रम के लिए कि सर आप आके कार्यकर्ताओं से मिलिए। तो मैं आज अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया था, जो टीम बनाई गई थी उस टीम के गतिविधियों को देखने के लिए कि वो टीम क्या कर रही है, किस तरह से और आगे क्या करेगी, उसके लिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो बच्चन जी ने काफ़ी अच्छा अपना संगठन तैयार करा है, और ये जो संगठन है, इस संगठन को हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है नेशनल पार्टी बनाने के लिए। अभी हमारा दिल्ली का तो हो चुका है, दिल्ली की तो कर दिया, लेकिन हमने दोबारा से उसमें डाली है, और आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे निगम पार्षद और एमएलए के इलेक्शन भी बजरंग वाहिनी दल से लड़ाएंगे इलेक्शन। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में हमारी टीम काफ़ी बन चुकी है, जम्मू में बच्चन जी को हमने दिया हुआ है। नए यूथ के लिए जो है आगे से जो है हमारी तरफ से बजरंग वाहिनी दल की तरफ से उनके लिए जो कुछ ऐसे काम होंगे जो हम उनके जो है वो करवा सकते हैं, उनको आगे लेके जा सकते हैं, उसी के लिए जो है आगे कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो कुछ गवर्नमेंट की आएंगी जिसमें हम उनको आगे फॉल करवाएंगे, और उनके साथ में हम कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे ताकि उनको कोई परेशानियाँ ना आए। आगे के लिए यही है यूथ के लिए कि जैसे अभी आपने देखा कि 2020 में जैसे कोविड आया, तो कोविड से भी हमारा यूथ जो है वो काफ़ी परेशान रहा। तो आगे के लिए हमने यही कहना है कि बजरंग वाहिनी दल जो ऐसा संगठन है, इस संगठन के साथ आप जुड़े रहिए, आपको कहीं ना कहीं जो है एज ए वैकेंसी की ज़रूरत है या कहीं काम की ज़रूरत है या कहीं और कुछ मसले हैं, तो वो हम धीरे धीरे करके सबके मसलों को हम जो है वो आगे उठाएंगे और उनको आगे काम में भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाएंगे। सर जैसा कि आपको पता है कि ये बॉर्डर बटालियन वाले जो अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना ये पीएचई वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे उन यूथों के लिए? देखो ऐसा है कि वो कुछ ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी मतलब स्कीमें थी, कुछ ऐसे जैसे अडाग पे लगवाए हुए थे, कैजुअल लेबर पे लगाए हुए थे, अब उनकी तरफ से जो है अभी ये आवाज़ उठाई गई है कि हमें परमानेंट करिए, ये करिए। अभी जो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है इस वक्त यूटी का माहौल है, जम्मू कश्मीर को एक यूटी के तौर पे रखा हुआ है, अब इतना जल्दी तो उनका हो नहीं सकता, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार जो भी बने तो उसमें उनके काम जल्दी से जल्दी हों। और सर सरकार के बारे में कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमने नई अपनी पार्टी बनाई है, और सरकार अभी क्या करेगी क्या नहीं, अगर हाँ कुछ गलत करेगी उसके खिलाफ हम जब खड़े होंगे, अभी तो इसमें सरकार के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते, ना कुछ बोलना है अभी सरकार का, कोई वो उसमें वो नहीं है हमारा, हमने अभी अपनी नई पार्टी बनाई है। क्या लगता है कि जो ये सरकार अपने कदम उठा रही है सही कर रही है कि गलत कर रही है? देखिए अभी जो सरकार का जो इस वक्त का अगर हम बात करें तो इस वक्त यूटी है, तो सरकार के पास भी वो वाली पावरें रही नहीं है जैसे कि एक मिनिस्ट्री के तौर पे होती हैं कि सेक्रेटरी लगता है, बहुत सारे काम लोगों के होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी एक मेन वजह है जिस वजह से काम को जो है अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो रहा है। जैसे ही आगे सरकार आएगी तो इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उनका काम हो जाएंगे। सर यूथ को जो है हर सरकार जो है आश्वासन दिलाती है कि नहीं हम आपको जॉब देंगे या कुछ भी देंगे, तो ऐसा क्या है कि वो आपकी पार्टी में आके और आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे यूथ में जो न्यू? देखिए अभी इतने बड़े वादे हम नहीं कर रहे हैं कि हम आगे जाके ये चीज करेंगे या ये है, अभी हम अपना एक संगठन बना रहे हैं, उस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे हम यूथ को बहुत मजबूत करेंगे और यूथ के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी होगी सब चीज के लिए खड़े रहेंगे यूथ के लिए।